अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम पढ़ने वाले हैं जी रेजिस्टिविटी। ओहम्स लॉ में पढ़ा गया था रेजिस्टेंस। अब हम रेजिस्टेंस से एक स्टेप आगे चलेंगे, यानी रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टेंस की छोटी बहन नहीं है, ये एक अलग से टर्म है जिसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अभी इस लेक्चर में। तो जनाब, ओहम्स लॉ में हमने ये कहा के पोटेंशियल डिफरेंस अगर कंडक्टर के सिरों के दरमियान ज़्यादा कर देंगे तो उसमें से गुजरने वाला करंट भी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि फिजिकल कंडीशन चेंज ना हो, मतलब रेजिस्टेंस चेंज ना हो। सवाल ये पैदा होता है कि फिजिकल कंडीशन चेंज होने से मतलब क्या है, और उसकी वजह से सर्किट की, कंडक्टर की, या मेटल की, या स्पेसिमन की, सैंपल की, जो भी आप नाम इस्तेमाल कर लें इसके लिए, उसकी रेजिस्टेंस क्यों चेंज हो जाएगी। तो जनाब यारी देखें, बात यह है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर की लेंथ आप जितनी ज्यादा करेंगे उसकी रेजिस्टेंस भी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। वजह क्या है समझना, ये है कि रेजिस्टेंस किस वजह से होती है। रेजिस्टेंस है जनाब मेजर ऑफ अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर के फ्लो में, चार्ज कैरियर को मूव करने में जितनी अपोजिशन का सामना करना पड़ता है, मुखालफत का सामना करना पड़ता है, हिंड्रेज का सामना करना पड़ता है, ये कोलिजन की वजह से है। तो अगर आप कंडक्टर की लेंथ ज्यादा कर देंगे कि आपने एक जगह से दूसरी जगह तक दौड़ के जाना है, तो रास्ते में कोई रुकावट है, आपके गोडे छिले जाते हैं या आपके ठुड्डे लगते हैं, तो जितना ज्यादा लंबा सफर तय करना होगा, ठुड्डे लगने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा होंगे। इसका मतलब ये है कि लेंथ जितनी ज्यादा करते जाएंगे रेजिस्टेंस भी उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। जितना चार्ज कैरियर ज्यादा लंबा सफर तय करेंगे उतनी ही कोलिजन के चांस ज्यादा होंगे। तो लेंथ, कंडक्टर की लेंथ ज्यादा करने से रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। इसी तरह से जनाब, अगर आप कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा करेंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन है रेजिस्टेंस का। कैसे? क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या है? अगर चार्ज कैरियर मूव करते हैं इधर से इधर तक ऐसे, तो क्रॉस सेक्शन एरिया इसकी ये मोटाई है, ये मोटाई क्रॉस सेक्शन एरिया है। और अगर चार्ज कैरियर मूव करते हैं ऐसे, इधर से दाखिल हो गए, इधर से निकल जाते हैं, फिर ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। यानी क्रॉस सेक्शन एरिया परपेंडिकुलर है टू द पाथ ऑफ चार्ज कैरियर्स। अगर चार्ज कैरियर ऐसे मूव करेंगे तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, और ये एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा आसानी से चार्ज कैरियर गुजर जाएंगे। दरवाजा जितना ज्यादा खुला होगा, मूवमेंट करने वालों में आपस में कोलिजन के चांस उतने ही कम होंगे, दीवारों के साथ टकराने के चांस उतने ही कम होंगे। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा करते जाएंगे, वैसे वैसे रेजिस्टेंस कम होती जाएगी, और क्रॉस सेक्शन एरिया कम करेंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा होती जाएगी। क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन है रेजिस्टेंस का। तो जनाब, इन दोनों रिलेशन को इकट्ठा करके रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लेंथ डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाइए यहाँ पे, ये है रो, वही जो पुराने जमाने में आप डेंसिटी के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। अब यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये रो रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हरारते मखसूसा, यानी के रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, ये क्या है? रो को एक तरफ रखें, एक को इधर ले जाइए, आर ए एल नीचे चला गया, रो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर ए ओवर एल। पहले जनाब इसके यूनिट देख लीजिए, रेजिस्टेंस के यूनिट क्या है? ओहम। एरिया के मीटर स्क्वेयर, लेंथ के मीटर, मीटर स्क्वेयर बटा मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, बाकी 1 मीटर रह गया। ओहम मीटर यूनिट है जनाब रेजिस्टिविटी के या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के, और डायमेंशन भी आप इसी लिहाज से ही कैलकुलेट कर लेंगे। तो जनाब, अब रेजिस्टिविटी है क्या? इट इज द, आप ये देखिए, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर। कौन से कंडक्टर की रेजिस्टेंस है? ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, मज़ाहमत मखसूसा, कोई मखसूस, कोई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कितनी स्पेसिफिक? क्या शय मखसूस है? इसमें कंडक्टर के डायमेंशन मखसूस कर दिए गए हैं। इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ
1 मीटर लेंथ वाला कोई कंडक्टर और 1 मीटर स्क्वेयर क्रॉस सेक्शन एरिया वाला कोई कंडक्टर, उसकी रेजिस्टेंस ही उसकी रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन, ये डेफिनेशन रेड कलर से लिखी हुई है टॉप पे बोर्ड के। ये रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है। देखिए रेजिस्टेंस है मुजाहमत, हिंड्रेज रुकावट, चार्ज कैरियर के फ्लो में जो रुकावट पेश आती है वो रेजिस्टेंस कहलाती है। और रेजिस्टिविटी क्या है, ये रेजिस्टेंस है एक मखसूस ज्योमेट्री के हामल कंडक्टर की, एक मखसूस पैरामीटर के हामल कंडक्टर की रेजिस्टेंस ही उसकी रेजिस्टिविटी है। जब आप उसके डायमेंशन को स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं तो फिर उसकी रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बन जाती है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हैविंग यूनिट एरिया एंड यूनिट लेंथ, वो रेजिस्टेंस ही उसकी रेजिस्टिविटी है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी मटेरियल का एरिया और लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ अगर फिक्स कर दी जाए, कांस्टेंट रखी जाए, तो रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टिविटी ज्यादा, रेजिस्टेंस कम रेजिस्टिविटी कम। मतलब अगर किसी स्पेसिमन के डायमेंशन को स्टैंडर्डाइज कर लिया जाए, फिक्स कर लिया जाए, तो उसकी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर डायरेक्ट रिलेशन है रेजिस्टेंस ज्यादा होने से रेजिस्टिविटी ज्यादा और रेजिस्टेंस कम होने से रेजिस्टिविटी कम होना है, तो फिर हमें रेजिस्टिविटी की जरूरत ही क्या है, हम रेजिस्टेंस से ही क्यों नहीं गुजारा कर लेते। वजह यह है कि रेजिस्टेंस तो चेंज हो जाएगी लेंथ के साथ, क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ। रेजिस्टेंस रुकावट है करंट गुजरने के लिए, चार्जेस के फ्लो में रुकावट को रेजिस्टेंस कहते हैं। आपको करंट की जरूरत है, पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत है कि कहां से कहां पे, घर में जनाब बिजली आती है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, करंट होता है, तो जिस मटेरियल से, जिस वायर से, जो मैंने माइक लगाया हुआ है इसमें जो वायर है इसमें से करंट गुजर रहा है, तो उसकी कोई ना कोई रेजिस्टेंस भी है। तो आपके घर में जितनी भी वायरिंग हुई है बिजली की, वो उस कंडक्टर मटेरियल है, वायर इस्तेमाल की गई है, उसकी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगी। तो आप क्या चाहते हैं, जब आप घर बनाएंगे, आपने कोई सर्किट डिजाइन करना है, तो आपकी ख्वाहिश यही होनी चाहिए और होगी कि रेजिस्टेंस कम से कम हो मटेरियल की। वजह, क्योंकि रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उसका हीटिंग इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। एच इज इक्वल टू हीटिंग इफेक्ट इज इक्वल टू हीट एनर्जी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो हीटिंग इफेक्ट भी ज्यादा होगा, तार गर्म होगी और वो जो हीट एनर्जी है वो तो लॉस हो गई, वो तो जाया हो गई, वो तो आपके किसी काम की नहीं रही। इसलिए हमारी कोशिश है कि मटेरियल की रेजिस्टेंस कम से कम हो। आप दुकान में जाते हैं, जनाब हमें वायरिंग करनी है, तो हमें कोई अच्छी सी वायर दीजिए, तार दीजिए, जो हम वायरिंग के तौर पर घर में इस्तेमाल कर सकें और अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। दुकानदार कहता है भाजी ये देखिए, ये आपके सामने दो स्पेसिमेन है, मैं जरा कैमरे के करीब करता हूँ, आई होप कि आपको नजर आ जाएंगे, ये एक देखें और ये दूसरा देखें, तो यहाँ इतनी दूर से देखिए अगर आप कंपेयर कर सकते हैं, तो ये वाली तार मोटी तार है, ये देखिए ये वाली तार मोटी तार है और ये वाली तार जरा के बारीक सी तार है जनाब। तो दुकानदार कहता है भाजी ये वाली तार ले जाइए, इसकी रेजिस्टेंस कम है, इसकी रेजिस्टेंस जरा ज्यादा है। आप कहते हो ठीक है ये दे दीजिए, इसकी रेजिस्टेंस कम है। वो मुसीबत ये है कि ये तो मोटी ज्यादा है, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, इस वजह से रेजिस्टेंस कम है। आपने दो बल्ब चलाने हैं, इतनी मोटी तार क्या करेंगे, जितनी मोटी है उतनी वजनी होगी, तो उतना आपका लोड भी ज्यादा होगा, पैसे ज्यादा लगेंगे, मतलब वजन ज्यादा होगा पाइप में से जिसमें से ये गुजरेगी, लोड संभालना मुश्किल होगा, कई सारी तारें गुजरेंगी, लोड संभालना मुश्किल हो जाएगा, मतलब वजन इसका जो ज्यादा होगा वो अलग मसला, और जब आपको मिलेगी महंगी भी ज्यादा मिलेगी तो खर्चा भी आपका ज्यादा होगा, और बाद में आपको पता चलेगा कि जनाब ये तो अच्छी क्वालिटी की तार ही नहीं है, इसमें तो लाइन लॉस, एनर्जी लॉस ज्यादा हो रहे हैं। तो अब ये आपको क्यों, हालांकि दुकानदार ने सही कहा था कि इसकी रेजिस्टेंस कम है, इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन ये तो बारीक है इसलिए रेजिस्टेंस इसकी ज्यादा है, एरिया कम है रेजिस्टेंस ज्यादा है, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है। रेजिस्टेंस आप कंपेयर नहीं करेंगे जब तक के आप डायमेंशन स्टैंडर्डाइज ना कर लें। आप कहेंगे ठीक है जी, इन दोनों की रेजिस्टेंस तब हम कंपेयर करेंगे जब आप इस मटेरियल की वायर और इस मटेरियल की वायर दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया एक जैसा करके हमें दीजिए, एक जैसी मोटाई की तारें दीजिए, एक जैसी लंबाई करके दीजिए, फिर हम दोनों की रेजिस्टेंस को कंपेयर करेंगे। अंडर स्टैंडर्ड डायमेंशंस, अंडर स्टैंडर्ड ज्योमेट्री जब आप कंपैरिजन करेंगे, वो रेजिस्टेंस का नहीं होगा, वो रेजिस्टिविटी का होगा। रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, एरिया पे डिपेंड नहीं करती। क्यों? क्योंकि जब आप
की वायर का, कंडक्टर का या वायर का एरिया ज्यादा करेंगे, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, ए ज्यादा आर कम, प्रोडक्ट उतने का उतना, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, और अगर लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, लेंथ डबल हो गई, रेजिस्टेंस भी डबल हो गई, दो से दो कट गया, रेजिस्टिविटी रह गई सेम, मतलब एरिया और लेंथ चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज होती है, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती। आप कंपैरिजन करेंगे बेटा जी रेजिस्टिविटी का, रेजिस्टेंस का कंपैरिजन नहीं करेंगे, क्योंकि रेजिस्टिविटी स्टैंडर्ड है, रेजिस्टेंस स्टैंडर्ड करेक्टरिस्टिक नहीं है, वो तो डायमेंशन चेंज होने से, लेंथ चेंज होने से वो तो चेंज हो जाएगी। आप रेजिस्टिविटी कंपेयर करेंगे और वो मटीरियल चूज करेंगे जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी, जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी वो मटेरियल चूज करेंगे, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, अंडर स्टैंडर्ड डाइमेंशंस, जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी वो आप चूज करेंगे। उसमें मतलब आप ओहम मीटर में मेजर करेंगे, या तो रेजिस्टिविटी मेजर करें, या जितने भी स्पेसिमन आपने कंपेयर करने हैं सबकी लेंथ क्रॉस सेक्शन एरिया एक जैसा रखें, फिर उनकी रेजिस्टेंस मेजर करें, तो वो एक्चुअली रेजिस्टिविटी मेजर की जा रही होगी, फिर कंपेरिजन सही होगा। फिर आप कहेंगे जनाब कि हमें, क्योंकि रेजिस्टेंस तो एक ही मटेरियल, ये कॉपर वायर के दो पीस है जो मेरे हाथ में है, इन दोनों की एक ही मटेरियल है, लेकिन रेजिस्टेंस में फर्क है, लेकिन रेजिस्टिविटी इनकी एक जैसी होगी, क्योंकि बुनियादी तौर पे मटेरियल एक जैसा है। रेजिस्टिविटी कब चेंज होगी? जब मटेरियल की नेचर चेंज होगी, मटेरियल ही चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी। कॉपर है, सिल्वर है, या जनाब अली आयरन है, एलुमिनियम है, गोल्ड है, इन सब की रेजिस्टिविटी में फर्क है। रेजिस्टेंस एक जैसी हो सकती है, अगर आप इनकी लेंथ और एरिया वगैरह का तबादला कर लें तो रेजिस्टेंस दो मुख्तलिफ मटेरियल की एक जैसी हो सकती है, रेजिस्टिविटी सेम नहीं हो सकती। अपनी बुक में देखना है आपने, पेज नंबर 39 पे टेबल है 12.1, ये देखिए टेबल आपको सामने नजर आ रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, सॉरी यहाँ पे। तो इसमें आप कंपेयर करेंगे, टेबल में एक कॉलम में मटेरियल दिया गया है, दूसरे कॉलम में जनाब अली आपको दिया गया है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, वो हम इस लेक्चर के एंड पे जाके डिस्कस करेंगे, और तीसरे कॉलम में दी गई है रेजिस्टिविटी। सबसे ऊपर देखिए, सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी है जनाब अली? सबसे कम रेजिस्टिविटी है जनाब सिल्वर की, चांदी की, उससे थोड़ी सी ज्यादा है कॉपर की। आप घरों में वायरिंग करने के लिए कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करना पसंद करेंगे? आप सिल्वर इस्तेमाल करना पसंद करेंगे, चांदी की तारें डाल लीजिए, रेजिस्टिविटी कम है, इसका मतलब है एनर्जी लॉस कम होंगे, बिल की बचत होगी। वो मुसीबत ये है कि चांदी महंगी इतनी आएगी, 1500-2000 रुपए की तोड़ा आएगी 11 ग्राम, तो महंगी इतनी ज्यादा आएगी कि बचत थोड़ी होगी और खर्चा ज्यादा आएगा। सिल्वर के मुकाबले में कॉपर की रेजिस्टिविटी थोड़ी सी ज्यादा है, तो रेजिस्टिविटी का फर्क इतना ज्यादा नहीं है। कॉपर मिल जाता है आपको 1400-1500 रुपए किलो, तो कॉपर के और सिल्वर के रेट में फर्क है ज्यादा, कॉपर आपको सिल्वर के मुकाबले में काफी सस्ता पड़ेगा, रेजिस्टिविटी में थोड़ा सा फर्क है, उतना हम कंप्रोमाइज कर लेंगे। तो कमर्शियली कॉपर वायर इस्तेमाल होती हैं, ये घरों में जो वायर इस्तेमाल होती है, अगर आप अच्छी क्वालिटी की वायर इस्तेमाल करेंगे, अब थक गया उसको छोड़े, तो अगर आप अच्छी क्वालिटी की वायर इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप कॉपर वायर इस्तेमाल करेंगे। आजकल आप यूपीएस बनवाने जाए ना, वो कहता, दुकान वाला कहता है कि भाजी आपने ट्रांसफार्मर कॉपर में वायर कराना है कि सिल्वर में? आपने अगर ये लेक्चर आज का लिया हुआ है तो आप खुश हो जाएंगे कि जनाब सिल्वर का ठीक है, उसकी रेजिस्टिविटी कम है, तो वो गर्म कम होगा, हीटिंग इफेक्ट कम होगा, लेकिन वो कमर्शियली जिसे सिल्वर कहते हैं वो असल में एलुमिनियम होता है, या एलुमिनियम का कोई अलाय होगा, वो चांदी नहीं है। तो बेहतर है कॉपर का आप वाइंड करवाएं, उसमें लाइन लॉस कम होंगे, हीटिंग इफेक्ट कम होगा, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी कम है। तो ये तो जनाब एक बात हो गई, आम घरों में हम अच्छी क्वालिटी की वायर जो है ये कॉपर वायर इस्तेमाल करते हैं। तो चले जनाब ये लिया गया कि जनाब रेजिस्टिविटी के हमने यूनिट निकाल लिए, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल मतलब इसका बिल्कुल उलट है लफ्ज, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी का उलट है कंडक्टिविटी, लेकिन इससे पहले रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस जितनी कम होगी कंडक्टेंस उतनी ज्यादा होगी, मतलब वो उतना ही बेहतर तौर पे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, ज्यादा बेहतर तरीके से करंट गुजर जाएगा। रेजिस्टेंस जितनी कम होगी कंडक्टेंस उतनी ही ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस का यूनिट है ओहम और कंडक्टेंस उसके उलट है, तो कंडक्टेंस का यूनिट है
ओहम इनवर्स, ओहम की पावर माइनस वन, या ओहम को उल्टा लें, ओहम है ओ एच एम, ये होगा मो एम एच ओ, या सीमन सीमन, ये मेरा गलती हुई, इसे एस स्मॉल डालना चाहिए था, लो जी सही हो गया, सीमन मो या सीमन, ये साइमन जॉर्ज साइमन ओहम वाला साइमन नहीं है, ये सीमन है, ये और है। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी को रो से लिखते हैं, कंडक्टिविटी को सिग्मा से, कंडक्टिविटी इसके उल्ट है, तो रेजिस्टिविटी के यूनिट उल्टा लीजिए, रेजिस्टिविटी के थे ओहम मीटर, कंडक्टिविटी के हैं पर ओहम पर मीटर, या पर ओहम की जगह पे मो मो पर मीटर, या सीमन पर मीटर भी आप कह सकते हैं। ये जनाब वाली यूनिट हो गया रेजिस्टेंस के, रेजिस्टिविटी के, कंडक्टेंस के और कंडक्टिविटी के। जनाब ये जो खंबे पे तारे हैं ना, वो आपदा वाला डाली हुई हैं, ये किसी जमाने में जब पाकिस्तान नया नया बना ना, ये कापर की वायर्स हुआ करती थी। अब वक्त के साथ साथ तरक्की होती गई, करप्शन में भी और बाकी मामलात में भी, तो हौली हौली होते होते अब ये एल्यूमिनियम पे आ गई। तो जनाब इसीलिए कुछ अरसे के बाद ये चेंज करना पड़ जाती, बदलना पड़ जाती हैं, क्योंकि इनकी इनमें इम्प्योरिटी की वजह से लाइन लॉस ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए कुछ अरसे के बाद चेंज करना पड़ती है। तो आम के आम, गुठलियों के दाम। बहरहाल हम कहाँ पे थे, तो जनाब डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी अपॉन टेम्परेचर। देखिए हमने कहा कि एक मटेरियल की रेजिस्टिविटी फिक्स है, किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी उसकी करेक्टरिस्टिक है, मटेरियल चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी, किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी डायमेंशन चेंज होने से चेंज नहीं होगी, लेंथ या एरिया वगैरह चेंज करने से रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, लेकिन रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी टेम्परेचर चेंज होने से। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर जैसे जैसे ज्यादा होगा मेटल का, यानी कंडक्टर की हम बात करने लगे हैं, मेटल यानी कंडक्टर का टेम्परेचर जैसे जैसे ज्यादा होगा, रेजिस्टिविटी वैसे वैसे ज्यादा होती चली जाएगी। वजह क्या है, देखिए ये आपके सामने है स्पेसिमन या सैंपल, लैटिस, हम 17 चैप्टर में जाके इस लफ्ज को बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, केमिस्ट्री वालों ने शायद फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा हुआ होगा। स्पेसिमन कह लीजिए आप, सैंपल कह लें, कोई वायर कह लीजिए, ये उसमें जनाब ये जो बड़े वाले गोल गोल हैं, ये एटम हैं जो कि फिक्स हैं, एटम 100% रिजिडली फिक्स नहीं होते, ये हल्के हल्के वाइब्रेट तो लाजमी करेंगे, वाइब्रेटरी मोशन में होगी। ये जो रेड वाले हैं जनाब, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, चार्ज कैरियर मूव करेंगे, तो उनको रुकावट का सामना करना पड़ेगा। ये रुकावट मेनली दो वजहों से होती है, किस किस वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की आपस में कुलिजन की वजह से, और लैटिस में मौजूद एटम्स के साथ कुलिजन की वजह से। लेकिन ये याद रखिए कि इस कुलिजन में ज्यादा हिस्सा, यानी रेजिस्टेंस में ज्यादा हिस्सा किस किन कुलिजन का है, जो इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं, उन कुलिजन की वजह से रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। अपोजिशन का असर, रेजिस्टेंस का असर, इफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स की आपस में कुलिजन की वजह से बहुत कम होता है, एज कंपेयर टू उनकी कुलिजन जो एटम्स के साथ है। बहरहाल जब इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर मूव करेंगे तो एटम्स के साथ टकराएंगे, और होता क्या है, मैंने आपकी सूरत के लिए दो बनाए हैं, एक ये एटम है, एक ये एटम है, ये क्या कर ऐसे बना लें, इलेक्ट्रॉन ने ऐसे मूव करना है, इलेक्ट्रॉन ऐसे देखे वाइब्रेट कर रहे हैं, ये वाइब्रेट करते हुए दरमियान में इतना हिस्सा खाली रहता है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन गुजर सकता है, इतने हिस्से में इलेक्ट्रॉन मूव करना चाहेगा, कुलिजन के चांस हैं, कुलिजन हो भी सकती है, इधर आ गया, इधर से गुजर गया, इधर चला गया, इधर से गुजर गया, कोलिजन भी हो सकती है, तो बहरहाल कोलिजन के चांसेस हैं। जब आप टेम्परेचर ज्यादा करेंगे, मटेरियल का टेम्परेचर ज्यादा होगा उसके, ओह मैं गिनने लगा था सॉरी, तो मटेरियल का टेम्परेचर जैसे जैसे ज्यादा होगा, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती जाएगी, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा हो गया टेम्परेचर ज्यादा होने से। आप नंगे पाँव आजकल धूप में खड़ा कर दिए जाए ना जी, तो 2 मिनट के बाद आप ऐसे ऐसे करने लग जाएंगे, पाँव नीचे रखे नहीं जाएंगे, कुलिजन सॉरी वाइब्रेशन ज्यादा हो जाएगी। वाइब्रेशन ज्यादा होने का मतलब क्या है कि अब ये वाला एटम वाइब्रेट कर रहा था इतने हिस्से में, अब ये टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से वाइब्रेट कर रहा है इतने हिस्से में, तो जिस इलेक्ट्रॉन ने पास करना था यहाँ से, उसके लिए कुलिजन के चांस पहले से क्या हो गए, ज्यादा हो गए। हम टेक्निकली क्या कहते हैं कि दिस एटम offers much wider cross section, पहले इतना cross section area offer करता था collision के लिए, अब इतना cross section area offer करने लग गया। अब ये atom देखें,
दोनों वाइब्रेट कर रहे हैं। अब दरमियान में जगह बिल्कुल बहुत थोड़ी बचती है, जिस इलेक्ट्रॉन ने गुजरना है उसके लिए कोलिजन के चांसेस ज्यादा हो गए हैं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर ज्यादा होगा, एटम्स की वाइब्रेशनल किनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, मच वाइडर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफर किया जाएगा चार्ज कैरियर को जो मूव करना चाहते हैं कोलिजन के लिए, जिसकी वजह से कोलिजन के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। तो मेटल्स की रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है, रेजिस्टिविटी ज्यादा हो जाती है टेम्परेचर ज्यादा करने से। ये ग्राफ देखें, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, यहां तक जहां लीनियर रिलेशन होगा, उसके बाद रिलेशन लीनियर नहीं रहेगा एक लिमिट के बाद। तो जनाब अगर टेम्परेचर ज्यादा होने से रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ज्यादा हो जाती है तो वो किस तरह से मालूम की जा सकती है? टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है जी? टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा से लिखा जाता है। फॉर्मूला क्या है? आर टी माइनस आर नॉट। आर नॉट क्या है? 0 सेंटीग्रेड पे, 0 सेल्सियस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस है आर नॉट। और आर टी क्या है? टी सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस। अगर टेम्परेचर ज्यादा होने से रेजिस्टेंस ज्यादा हो रही है, ये रकम बड़ी है ये छोटी है? जवाब आएगा पॉजिटिव, डिवाइडेड बाय आर नॉट क्या है? 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है, ये मेटल के लिए जवाब पॉजिटिव आएगा। टी क्या है? टी टेम्परेचर नहीं है, टी है डिफरेंस इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। 0 से बढ़ के 25 हो गया तो फर्क ये 25 है, 25 सेंटीग्रेड, इसे कैल्वन में कन्वर्ट किया जाएगा। और कन्वर्ट करते हुए ख्याल रखिएगा डिफरेंस इन टेम्परेचर सेंटीग्रेड में कैल्वन में सेम ही है, तो जितना चेंज इन टेम्परेचर सेल्सियस में है सेंटीग्रेड में है कैल्वन में भी वही न्यूमेरिकल वैल्यू लिखती जाएगी। तो इसी तरह से टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो आर की बजाय रो लिख दिया जाएगा, बाकी रिलेशन वही रहेगा। और यूनिट बेटा जी क्या है इसके? आर टी, टी सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यूनिट है ओहम, माइनस 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यूनिट क्या है? ओहम। ओहम में से ओहम माइनस करेंगे जवाब ओहम ही निकलेगा, काट नहीं देना कि जोश में आगे। डिवाइडेड बाय आर नॉट, 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस ओहम, और टेम्परेचर डिफरेंस इन टेम्परेचर कैलवन में, अब काट दें ओहम को ओहम से, तो अल्फा के यूनिट क्या हो गए? पर कैलवन। इसका मतलब क्या है? अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, इसका मतलब क्या है? पर सिंगल डिग्री राइज इन टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस में या रेजिस्टिविटी में इजाफा कितना होता है? ठीक है जी। तो हमारे पास दो तरह के मटेरियल हो सकते हैं, एक वो जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव है और दूसरे वो जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? कि ये रकम बड़ी है, टेम्परेचर ज्यादा होने से रेजिस्टेंस ज्यादा हो रही है। और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव होने का मतलब है ये रकम छोटी है, टेम्परेचर ज्यादा होने से रेजिस्टेंस कम हो रही है। वही टेबल 12.1 आपने देखना है, एंड पे जाके देखिएगा अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होगी। सेमी कंडक्टर्स के लिए अल्फा की वैल्यू नेगेटिव है, सेमी कंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर ज्यादा होने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। क्यों? 17वें चैप्टर में देखेंगे। कंडक्टर में टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि मेटल या कंडक्टर की रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है टेम्परेचर ज्यादा होने से। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये एक अलग मसला है जनाब। और दूसरे नंबर पे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा इज हाई या अल्फा इज लो, ये एक अलग मसला है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है, मतलब पर सिंगल डिग्री राइज इन टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस में तब्दीली आ जाती है, ज्यादा टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस ज्यादा चेंज हो जाती है। और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस लो है, मतलब टेम्परेचर में तब्दीली के साथ रेजिस्टेंस में तब्दीली आती है कम, तो उसके लिए अल्फा की वैल्यू लो होगी यानी कि कम होगी। और टेबल में जनाब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी दिए गए हैं। तो जनाब कई जगह हमें जरूरत होती है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव चाहिए, कहीं नेगेटिव चाहिए, कहीं हाई चाहिए, कहीं लो चाहिए, तो जनाब क्यों चाहिए? देखते रहिए, हमारे साथ रहिएगा, देखेंगे अगली आने वाली एपिसोड्स में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।